हेलो स्टूडेंट्स, इस स्टडी पॉइंट में मैं एसके चौधरी एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। केमिस्ट्री के अंतर्गत अपन पी ब्लॉक एलिमेंट्स पढ़ रहे थे और पी ब्लॉक एलिमेंट्स में आज का अपना जो टॉपिक है वो है नाइट्रिक एसिड। नाइट्रोजन का बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑक्सो एसिड, ऑक्सो अम्ल है नाइट्रिक अम्ल। नाइट्रोजन के जो ऑक्सो अम्ल उनमें से बहुत ही कम ऑक्सो अम्ल है जो स्थायी होते हैं और उनमें से एक नाइट्रिक एसिड है जो कि स्टेबल होता है, स्थायी होता है। और इसी नाइट्रिक एसिड के बारे में आज अपन अध्ययन करने वाले हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिए। घर पे फ्री बैठे हुए अपना टाइम वेस्ट मत कीजिए बिल्कुल भी और अपनी पढ़ाई को निरंतर जारी रखिए हमारे साथ ऑन द पीसी स्टडी पॉइंट। सो नाउ लेट्स स्टार्ट द नाइट्रिक एसिड। सबसे पहली बात, ऑक्सो अम्ल, ये नाइट्रोजन का एक ऑक्सो अम्ल है। तो सबसे पहली बात आपको ये पता होना चाहिए कि ऑक्सो अम्ल क्या होता है। ऑक्सो अम्ल वो होता है जिसमें ऑक्सो और हाइड्रोक्सी दोनों समूह पाए जाते हैं, उसको ऑक्सो एसिड कहते हैं, ऑक्सो अम्ल कहते हैं। जैसे मैं कहूं नाइट्रोजन का ऑक्सो अम्ल, तो नाइट्रोजन पर ये दोनों समूह होने चाहिए, ऑक्सो समूह होना चाहिए और हाइड्रोक्सी समूह होना चाहिए, ये स्ट्रक्चर होना कंपल्सरी है। अगर यह संरचना जिस यौगिक में होगी तो उसे अपन नाइट्रोजन का ऑक्सो अम्ल बोल सकते हैं। और HNO3 की संरचना देखिए ये होती है, तो इसमें देखिए ये दोनों समूह हैं, इसलिए HNO3 हो गया नाइट्रोजन का ऑक्सो अम्ल। एक HNO2 भी होता है नाइट्रोजन का ऑक्सो अम्ल, HNO3 से थोड़ा कम स्थायी होता है ये HNO2। HNO3 की बजाय कम स्थायी होता है। आज अपन अध्ययन करेंगे HNO3 नाइट्रिक अम्ल। सबसे पहले बात कर लेते हैं इसको बनाने की विधियां, इसका निर्माण किस तरह से किया जाता है, इसका विरचन किस प्रकार से किया जाता है। नंबर एक, सबसे पहले इसको जो बनाने की विधि है उसमें अपन कांच के रिटार्ट में आपको जो भी रिएक्शन करानी है तो वो ध्यान रखना है, कांच के रिटार्ट में इसकी रिएक्शन करवानी है। तो सबसे पहले आप एक कांच का रिटार्ट लेंगे और कांच का रिटार्ट लेकर के उसमें सल्फ्यूरिक एसिड और सोडियम नाइट्रेट प्लस सल्फ्यूरिक एसिड दोनों को लेकर के कांच के रिटार्ट में गर्म कर दीजिए, दोनों को हीट दे दीजिए। सोडियम नाइट्रेट NaNO3 सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 और देखिए दोनों की क्या रिएक्शन। H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड के जो H+ है वो सोडियम को हटा देंगे या सोडियम H+ को हटा देगा, यानी सोडियम आ जाएगा H2 की जगह, H2 आ जाएगा सोडियम की जगह। तो हाइड्रोजन को तो अपन यहां ले आएंगे, दोनों हाइड्रोजन को इधर ले लिया, नाइट्रिक एसिड प्लस सोडियम इधर ले आओ, Na2SO4 सोडियम सल्फेट और नाइट्रिक एसिड का निर्माण। तो इसको सबसे पहले जो बनाने की विधि है वो यही है, या फिर इस रिएक्शन को आप जैसे आप दो प्रकार से समझ सकते हैं, NaNO3 प्लस H2SO4। देखिए जो सल्फ्यूरिक एसिड है ये द्विक्षार की अपने 2H+ देता है, तो या तो देखिए जैसे इस रिएक्शन में मैंने इसके 2H+ निकाले, या कई बार जैसे आप 1H+ निकाल करके भी इसकी रिएक्शन लिख सकते हैं कि इसका 1H+ सोडियम धातु की जगह, सोडियम धातु 1H+ की जगह। तो उस स्थिति में देखिए रिएक्शन इस प्रकार से होगी, 1H+ निकालना है यहां ले आओ और सोडियम को यहां ले आओ, तो इस बार बनेगा Na, यहां से 1H निकाला मैंने HSO4, दोनों स्थितियों में नाइट्रिक एसिड जरूर बनेगा। अगर आप सोडियम नाइट्रेट के 2 मोल लेंगे तो सोडियम सल्फेट बनेगा और 1 मोल लेंगे उस स्थिति में बनता है सोडियम बाइसल्फेट, NaHSO4 सोडियम बाइसल्फेट का निर्माण होता है। तो ये सबसे पहले इसको बनाने की जो विधि है वो इस प्रकार से, सोडियम नाइट्रेट और सल्फ्यूरिक एसिड से बना सकते हैं। नेक्स्ट दूसरी मेथड, इसको बनाने की जो दूसरी विधि है उसका नाम है ओस्टवाल्ड प्रक्रम। ओस्टवाल्ड मेथड देखिए किस प्रकार से बनाया जाता है। ओस्टवाल्ड प्रक्रम में अपने को क्या करना है, अमोनिया NH3 इसका दहन करना है। ओस्टवाल्ड प्रक्रम में अपने को अमोनिया का दहन करना है, तो अमोनिया में देखिए नाइट्रोजन और हाइड्रोजन 2 तत्व है, तो दोनों का दहन हो जाएगा। नाइट्रोजन के दहन से बनेगा नाइट्रस ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन के दहन से बनेगा H2, ये रिएक्शन होगी। रिएक्शन को आप संतुलित कर लीजिए,
HNO3 लेंगे, 4 NO बन जाएंगे, 5 O2। ये संतुलित रिएक्शन है। अमोनिया का जो दहन है, जिसके दहन से अपने पास में नाइट्रस ऑक्साइड और H2O बन रहे हैं, इसमें आपको प्लेटिनम या रुथिनियम उत्प्रेरक, ये धातु की उपस्थिति में अपने को इसका दहन करवाना है। या तो आप लेंगे प्लेटिनम धातु या फिर आप लेंगे रुथिनियम धातु, प्लस आपको इसमें टेम्परेचर करना होता है 500 केल्विन। दहन के दौरान जो टेम्परेचर है वो 500 केल्विन रहेगा और जो प्रेशर है वो रहेगा 9 ATM या 9 bar। ATM और बार लगभग बराबर ही होते हैं, 9 bar प्रेशर रखना है, उस स्थिति में आप इसका दहन करेंगे। तो आपके पास में बन गया NO प्लस H2। अब ये जो नाइट्रस ऑक्साइड बना है NO, इसका फिर से ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करा देंगे, फिर से इसका ऑक्सीडेशन करा देंगे, तो NO की ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होकर के बन जाएगी NO2, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस बन जाएगी। और अब इस NO2 गैस को अपन जल में पानी में घोल देंगे और इसको पानी में घोलने से बन जाएगा नाइट्रिक अम्ल HNO3। अब इसको देखिए जल में घोलने पर रिएक्शन किस प्रकार से होती है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। ये NO2 के मेरे पास में मान लीजिए 2 मोल है, 2-3 आपको जितने भी संतुलित करने के लिए चाहिए उतने ले लीजिए, और इनको अपन जल में घोल देंगे, H2O के साथ रिएक्शन कराएंगे। तो H2O में आप एक बार सपोज कर लीजिए, मान लीजिए कि H2O में होता है H और OH, तो इन दोनों में से एक पर जुड़ जाएगा H और एक पर जुड़ जाएगा OH, H2O का। तो मान लीजिए इस पर तो जुड़ गया OH, ये H2O था, H2O का OH तो इधर जुड़ गया, H2O का H इस दूसरे अणु पर जुड़ गया, ये लीजिए। तो अपने पास में देखिए ये एक अणु तो बढ़ गया HNO3 और एक अणु बढ़ गया HNO2 नाइट्रिक, ये तो बढ़ गया नाइट्रिक अम्ल, ये बढ़ गया नाइट्रस अम्ल, दोनों अम्लों का निर्माण हो गया। चूंकि ये जो नाइट्रस अम्ल है थोड़ा कम स्टेबल होता है, ये कम स्थायी होता है, तो ये क्या करेगा NO2 के एक और दूसरे मोल के साथ में रिएक्शन करेगा। यानी NO2 के अपन ने 3 मोल लिए हैं, तो मैं ये लिख देता हूं 3 NO2, H2O का एक ही मोल लिया है, और इसका जो OH है ये OH यहां से निकल करके यहां पर जुड़ जाएगा, ताकि HNO2 से ये क्या बन गया HNO3, स्थायी हो जाए, ज्यादा स्टेबल हो जाए। यानी NO2 के 3 अणुओं को जब H2O में घोला गया तो 2 अणु तो ये बन गए HNO3 के, 2 HNO3 प्लस एक अणु अपने पास में ये बना है N, और ये जो NO बना है इसको अपन पुनः चक्रित कर लेंगे, यहां उस NO के यहां पर दोबारा से O2 के साथ रिएक्शन करा करके वापस O2 बना देगा। तो वो जो NO है उसका उपयोग अपन पुनः चक्रण में कर लेंगे और उसकी सहायता से और अपन फिर नाइट्रिक एसिड बना सकते। तो नाइट्रिक एसिड बनाने के अपने पास में 2 तरीके, 2 मेथड थे, ओस्टवाल प्रकरण है और एक कांच के रिटार्ट में आप बना सकते। फिर आगे देखते हैं नाइट्रिक अम्ल के भौतिक गुण। मोस्टली जो नाइट्रिक अम्ल होता है इसका अपन जो विलयन यूज लेते हैं वो 68% सांद्रता वाला होता है, यानी इसमें 68% नाइट्रिक एसिड होता है, बाकी का जो होता है वो H2O यानी जलीय विलयन होता है, तो शेष मात्रा उसमें H2O की होती है। यह है एक रंगहीन और तेलीय द्रव होता है नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड एक रंगहीन तेलीय द्रव होता है, इसका जो क्वथनांक होता है वो लगभग 350 केल्विन से भी अधिक होता है, बॉइलिंग पॉइंट लगभग 355.6 केल्विन नाइट्रिक एसिड का क्वथनांक होता है, और इसकी संरचना भी मैंने आपको बताई थी। नाइट्रोजन के पास में देखिए 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं संयोजी कोष में, तो 2 की साझेदारी देगी ऑक्सीजन के साथ के लिए, 1 की साझेदारी इधर OH के साथ हो गई है, उसके बाद में बाकी का एक जो ऑक्सीजन है, देखिए 5 में से 2 की साझेदारी इधर, 1 की इधर, 3 की साझेदारी हो गई, 2 इलेक्ट्रॉन बचे हैं, तो वो एक लोन पेयर इस ऑक्सीजन को दान किया होता है, इस प्रकार की संरचना होती है। तो कुल मिलाकर के नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर हो गया है +5, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर होता है HNO3 में नाइट्रोजन का। नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर ज्यादा से ज्यादा 5 ही हो सकता है, केवल 5 हो गए, और संयोजकता हो सकती है ज्यादा से ज्यादा 4, संयोजकता भी मैक्सिमम हो गई है 4। ये है HNO3 के भौतिक गुण।
और जल चूंकि नाइट्रिक अम्ल है तो जल में विलय होगा, इसका जल जल में घोलने पर एच प्लस आयन देता है। फिर इसकी केमिकल रिएक्शन भी पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले अपन इसको जलीय विलय में घोल देते हैं, इसको देखिए जल में घोलेंगे, तो जल में आप घोल सकते हैं प्लस एच टू, तो ये एच प्लस आयन देगा क्योंकि नाइट्रिक अम्ल है तो एच प्लस देगा, तो आप इसके एच प्लस निकाल करके एच टू में जोड़ दीजिए, एनओ थ्री माइनस एच थ्री ओ प्लस। इस तरह से इसका जो जलीय विलयन होता है वो अम्लीय प्रकृति का होता है और प्रबल अम्लीय प्रकृति का होता है। नाइट्रेट आयन देता है प्लस हाइड्रोक्सो सॉरी ऑक्सोनियम आयन देता है, प्रबल ऑक्सीकारक है ये। नाइट्रिक अम्ल एक प्रबल ऑक्सीकारक है और इसका कारण ये है कि इसमें जो नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर है वो अधिकतम है, मैक्सिमम है +5। जिन तत्वों का ऑक्सीडेशन नंबर अधिकतम होता है मैक्सिमम होता है वो प्रबल ऑक्सीकारक होते हैं, और जिनका ऑक्सीडेशन नंबर मिनिमम होता है वो प्रबल अपचायक होते हैं। ध्यान रखिएगा इस बात को, अधिकतम ऑक्सीकरण वाले प्रबल ऑक्सीकारक और न्यूनतम ऑक्सीकरण वाले प्रबल अपचायक होते हैं। क्योंकि नाइट्रिक अम्ल में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर अधिकतम +5, इसलिए यह होगा एक प्रबल ऑक्सीकारक। धातुओं अधातुओं सभी का ऑक्सीकरण करेगा, कुछ एक धातुओं को छोड़कर के। गोल्ड और प्लेटिनम इन धातुओं को छोड़कर के बाकी सभी धातुओं को गला सकता है नाइट्रिक अम्ल। यह आपने छोटी 10th क्लासों में भी छोटी क्लासों में पढ़ा होगा कि जो प्लेटिनम और गोल्ड होते हैं उनको किसी भी एसिड के द्वारा गला नहीं सकते। तो फिर हमने इनको गलाने के लिए एक मिश्रण बनाया था एक्वारेजिया नाम का। इन दोनों धातुओं को केवल एक्वारेजिया में गलाया जा सकता है। इसके अलावा जितनी भी धातुएं हैं उन सबको नाइट्रिक एसिड से गला सकते हैं, यानी नाइट्रिक एसिड सभी धातुओं का और सभी अधातुओं का ऑक्सीडेशन करेगा। इसके अलावा ये क्रोमियम और एल्यूमिनियम धातुओं का ऑक्सीडेशन हालांकि नहीं कर पाता है। ऑक्सीडेशन तो हालांकि कर पाता है, लेकिन अगर इन धातुओं का अपन इसे एसिड में घोलने की कोशिश करते हैं तो कई बार ये धातु एसिड में घुलती नहीं है, क्योंकि इनमें होता क्या है कि जैसे ये एल्यूमिनियम धातु है अपने पास में, तो जैसे आयरन लोहे की छड़ को अपन बाहर रखते हैं तो उस पर जंग लग जाता है, उसका ऑक्साइड बन जाता है, ठीक वैसे इन धातुओं पर भी इनके ऑक्साइड की परत चढ़ जाती है। तो इस एल्यूमिनियम धातु पर मान लीजिए इसके एल्यूमिनियम ऑक्साइड की परत चढ़ गई, ये बाहर आवरण है Al2O3 का और एल्यूमिनियम धातु रह गई है अंदर, तो अगर इस छड़ को आप नाइट्रिक एसिड में डुबोएंगे तो उस स्थिति में नाइट्रिक एसिड के संपर्क में एल्यूमिनियम धातु नहीं आ पाएगी, नाइट्रिक एसिड के संपर्क में केवल Al2O3 आएगा, तो उस स्थिति में नाइट्रिक अम्ल एल्यूमिनियम धातु को नहीं गला पाएगा। ठीक क्रोमियम धातु को भी ऐसे ही नहीं गला पाता है। अगर एल्यूमिनियम ऑक्साइड की परत नहीं चढ़ी हुई होती है तो इन धातुओं को भी गला देता है, इनका भी ऑक्सीडेशन कर देता है। इनके अलावा जितनी भी धातुएं हैं और जितनी भी अधातुएं हैं इनका सबका ये ऑक्सीकरण कर देता है। तो इनका किस प्रकार से क्या क्या ऑक्सीकरण करता है अभी देखिए अपन उनकी रिएक्शन देखते हैं। अपने को यहां पर दो धातुओं की रिएक्शन करानी है, एक तो कॉपर धातु की और एक जिंक धातु, ठीक है, और इसके अलावा कुछ अधातुओं की करानी है। अधातुओं में कार्बन आएगा, फास्फोरस आएगा, सल्फर आएगा और आयोडीन आएगा। तो रिएक्शन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इन अधातुओं के बारे में कुछ बताना चाहता हूं। अगर आप इनका किसी के दूसरे ऑक्सीकारक से इनका ऑक्सीकरण करोगे ना तो कार्बन का हमेशा ऑक्सीकरण होगा, देखो CO2 में, ये आपको ध्यान में रखना है, याद रखना है, कार्बन का जब भी ऑक्सीकरण करोगे CO2 बनेगा, फास्फोरस का ऑक्सीकरण करोगे तो फास्फोरिक अम्ल बनेगा, कार्बन का भी हालांकि कार्बोनिक अम्ल ही बनता है H2CO3, लेकिन H2CO3 चूंकि CO2 गैस जल में विलय नहीं होती है तो इसमें से H2O बाहर निकल जाता है, तो कार्बन का ऑक्सीडेशन CO2 में हुआ, फास्फोरस का ऑक्सीकरण फास्फोरिक अम्ल में, सल्फर का सल्फ्यूरिक अम्ल में H2SO4 में होगा, आयोडीन का होता है आयोडिक अम्ल में HIO3 में। ये आपको ध्यान रखने हैं हमेशा, कार्बन का ऑक्सीकरण करोगे CO2 बनेगी, फास्फोरस का ऑक्सीकरण करोगे H3PO4 बनेगा, सल्फर का ऑक्सीकरण करोगे H2SO4 बनेगा, आयोडीन का ऑक्सीकरण करोगे HIO3 बनेगा। ये अधातुओं के ऑक्सीडेशन में काम में आएगा, इनका अधातुओं का जब ऑक्सीडेशन करोगे आप नाइट्रिक एसिड के द्वारा तो उस समय काम में आएगा, ध्यान रखें। और नाइट्रिक अम्ल ये दूसरों का ऑक्सीकरण करेगा तो इसका खुद का अपचयन होगा, और इसका अपचयन होता है HNO3 से NO2 में,
ये ध्यान रखिए, ऑक्सीडेशन नंबर प्लस पांच से प्लस चार हो जाती है इसमें। ये ध्यान रखना, नाइट्रिक अम्ल का खुद का अपचयन होगा एनओ टू में, तनु विलयन होता है उस स्थिति में छोड़कर के, सांद्र का हमेशा ये अपचयन होगा। तनु का अलग प्रकार से हो सकता है, वो धातु पर डिपेंड करता है। तो पहले अपन इनकी रिएक्शन करवा देते हैं HNO3 के साथ में दोनों धातुओं में, तो देखो क्या बनेगा। कॉपर का ऑक्सीकरण कीजिए, जिंक का, कॉपर का ऑक्सीकरण करोगे तो क्या बनेगा, नाइट्रिक अम्ल के साथ कॉपर नाइट्रेट बनेगा, हाइड्रोजन को उठा दो NO3 और CU को जोड़ दो दोनों को, तो कॉपर प्लस टू होता है, तो प्लस टू के साथ NO3 भी कितने जुड़ेंगे, माइनस टू। सेम ऐसे जिंक की रिएक्शन होगी, जिंक के साथ में दो नाइट्रेट दो NO3 जुड़ जाएंगे। कॉपर का ऑक्सीकरण कॉपर नाइट्रेट में, जिंक का ऑक्सीकरण जिंक नाइट्रेट, नाइट्रिक अम्ल में दोनों का ऑक्सीकरण कर दिया, तो नाइट्रिक अम्ल का खुद का अपचयन होगा, तो नाइट्रिक अम्ल खुद चेंज हो जाएगा NO2 में, प्लस शेष निकल जाएगा H2। H2 सभी रिएक्शंस में जो शेष हो वो आप H2 निकाल दें, ये रिएक्शंस होगी। अब देखें इन अभिक्रियाओं को आपको संतुलित भी करना है। यहां पर ध्यान देना कि जो HNO3 है ये सांद्र HNO3 है, तनु नहीं है, दोनों ही जो नाइट्रिक अम्ल है वो अपने पास में तनु नहीं होंगे, बल्कि दोनों ही सांद्र अवस्था में होंगे। तो इसको देखिए आप संतुलित कैसे करेंगे। यहां पर देखिए कॉपर का ऑक्सीकरण अंक जीरो था और यहां आपने कर दिया प्लस दो, यानी कॉपर ने दो इलेक्ट्रॉनों का त्याग किया। यहां HNO3 में नाइट्रोजन का ऑक्सीकरण अंक प्लस पांच था और यहां हो गया प्लस चार। तो इसको देखो संतुलित करने का तरीका यही हुआ, ऑक्सीकरण अंक प्लस पांच से प्लस चार, यानी नाइट्रोजन ने एक इलेक्ट्रॉन का त्याग किया, सॉरी एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया, जबकि कॉपर ने दो इलेक्ट्रॉनों का त्याग कर दिया। कॉपर दो इलेक्ट्रॉन त्याग कर रहा है तो नाइट्रोजन ग्रहण चूंकि एक ही कर रहा है, इसलिए दो ग्रहण करने के लिए आपको कितने HNO3 लेने पड़ेंगे, दो HNO3 लेने चाहिए अपने। देखो संतुलित करने का तरीका ये होता है, इसने दो इलेक्ट्रॉन त्याग किए तो अपन दो HNO3 ले लेंगे ताकि दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लें, प्लस दो HNO3 के अलावा दो HNO3 अपने को यहां पर भी चाहिए। देखो दो तो इसके लिए चाहिए अपने को, ये प्लस पांच से प्लस चार में बदलने के लिए, दो HNO3 तो इस भी इस HNO3 को NO2 में बदलने के लिए चाहिए, और बाकी के देखो दो NO3 यहां पर भी आ रहे हैं, यानी टोटल चार NO3, चार HNO3 लेने हैं आप, ये लीजिए। इस प्रकार से आप इसको संतुलित कर देना, अब संतुलित हो जाएगी। यहां एक बार स्टार्ट होगी फिर कोई दिक्कत नहीं, चार HNO3 एक ऊपर आगे देखिए कॉपर संतुलित हो गया। नाइट्रोजन को देखिए, दो नाइट्रोजन यहां गए एक यहां गया तीन, यहां पर टोटल है चार, तो ये लीजिए चार नाइट्रोजन, दो नाइट्रोजन ये रहे दो ये रहे चार, इसके अलावा बचे हाइड्रोजन, चार हाइड्रोजन है तो आप दो H2O निकाल दीजिए, संतुलित हो जाएगी। ठीक है, ऐसे ये दूसरी वाली रिएक्शन है, इसको संतुलित कर लेंगे आप, दोनों को सेम ही संतुलित करना है, यहां पर भी चार दो दो हो गए कंप्लीट। सांद्र HNO3 के साथ में आपको इस प्रकार से रिएक्शन दी, दोनों धातुओं की हो गई। अब ठीक यही रिएक्शन अपन करने वाले हैं तनु सांद्र की बजाय, इस बार मैं HNO3 कौन सा लेने वाला हूं, तनु HNO3 की करवाने वाले हैं। तनु में आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, ध्यान क्या रखना पड़ेगा, तनु में कॉपर और जिंक का ऑक्सीकरण तो ठीक इसी प्रकार से होगा, लेकिन नाइट्रिक अम्ल का अपचयन ये अलग प्रकार से होगा। किस प्रकार से होगा वो डिपेंड करता है धातु पर कि आप कौन सी धातु के द्वारा इसका अपचयन कर रहे हैं। जैसे कॉपर धातु से अगर अपचयन करेंगे तो नाइट्रिक अम्ल का अपचयन होगा NO में प्लस H2, और अगर जिंक धातु से कर रहे हैं तो इसका अपचयन होता है N2O में। ये आपको केवल ये दो चीजें यहां पर, ये दो रिएक्शन में आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। तनु नाइट्रिक अम्ल को कॉपर NO में अपचयित करता है और जिंक N2O में अपचयित करता है, ये ध्यान रखें। अब संतुलित करने का तरीका ठीक वैसे ही होगा, कॉपर प्लस टू में चेंज हो रहा है, दो इलेक्ट्रॉन त्याग कर रहा है, नाइट्रोजन ग्रहण कितने कर रहा है देखो, यहां तो है प्लस पांच, और इस नाइट्रोजन का ऑक्सीकरण कितना आएगा प्लस दो। कॉपर ने दो इलेक्ट्रॉन त्याग किए हैं लेकिन नाइट्रोजन इस बार तीन ग्रहण कर रहा है,
देखिएगा, नाइट्रोजन प्लस पांच में है, कॉपर यहां पर उदासीन है, प्लस कॉपर हो गया प्लस टू में और नाइट्रोजन भी हो गया प्लस टू में, तो कॉपर ने देखो कितने इलेक्ट्रॉन दिए, दो। नाइट्रोजन ने लिए कितने, इसने दो इलेक्ट्रॉन त्याग किए, लेकिन नाइट्रोजन ग्रहण कितने कर रहा है, तीन। तो आप संतुलित कैसे करेंगे, आप अपने पास में अगर तीन कॉपर होंगे तो वो छह इलेक्ट्रॉनों को त्याग करेंगे और उनको दो नाइट्रोजन ग्रहण करेंगे, यानी कॉपर को तीन से गुणा कर दो और नाइट्रिक अम्ल को दो से, तो छह इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, छह ही ग्रहण हो जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा यहां पर कितने और चाहिए उन वो और देख लेंगे अपन, इसके अलावा अब देखो इस NO3 को NO में बदलने के लिए तो दो HNO3 चाहिए, लेकिन कुछ NO3 यहां पर भी आ रहे हैं, कितने आ रहे हैं, देखो कॉपर कितने लिए आपने, तीन, तो कॉपर नाइट्रेट भी कितने बनेंगे, तीन, यानी यहां पर आ रहे हैं टोटल तीन दुनी छह नाइट्रेट, छह नाइट्रिक अम्ल इसके लिए चाहिए, दो चाहिए इसके लिए, तो छह और दो अपने को टोटल नाइट्रिक अम्ल की संख्या चाहिए आठ। अब आप इसको संतुलित कर लीजिए, कॉपर संतुलित हो गया, नाइट्रोजन आठ में से छह तो यहां पर हो गए और दो ये हो गए आठ, बचे हाइड्रोजन, आठ हाइड्रोजन है तो कितने H2O निकलेंगे, चार H2O निकाल, ठीक है। ऐसे ही ये वाली रिएक्शन को संतुलित करना है, इसको भी आप ठीक इसी तरह से कर सकते हैं। ZN जीरो ऑक्सीकरण संख्या, नाइट्रोजन प्लस पांच, ZN की यहां पर हो गई प्लस दो, कितने इलेक्ट्रॉन त्याग किए, दो। नाइट्रोजन का यहां पर ऑक्सीकरण अंक आप निकालोगे तो आएगा प्लस वन, यानी नाइट्रोजन इस बार ग्रहण कितने कर रहा है, चार इलेक्ट्रॉन ग्रहण, तो जिंक कितने चाहिए अपने को, दो जिंक, दो अकेला जिंक दो इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है तो दो जिंक चार इलेक्ट्रॉनों का त्याग कर देंगे, नाइट्रोजन ने चार ग्रहण कर लिया, हो गया ना बराबर। इसके अलावा ये दो ZN के लिए केवल एक ही HNO3 चाहिए अपने को, लेकिन अगर ये दो जिंक लेंगे आप तो जिंक नाइट्रेट भी बनेंगे दो, तो इसके लिए अपने को चार नाइट्रेट इसके लिए चाहिए, एक तो इसके लिए नाइट्रेट चाहिए, चार इसके लिए, यानी टोटल नाइट्रेट कितने चाहिए आपको, पांच। अब आप इसको संतुलित कर लीजिए, देखिए जिंक बराबर हो गया, नाइट्रोजन को देखिए पांच नाइट्रोजन है तो पांच में से चार तो यहां गए, तो चार और यहां पर एक ही आना चाहिए, आधा लिख दीजिए, पूरा लिखना चाहिए तो अभी मैं पूरा लिखने का तरीका बता दूंगा आपको। एच टू देखिए हाइड्रोजन पांच है तो यहां पर आप निकाल देंगे ढाई एच टू निकाल देना पांच हाइड्रोजन, और अगर आप आधा और ढाई नहीं लिखना चाहें तो पूरी रिएक्शन को डबल कर दो, पांच के दस, दो के चार, चार ये एक एच टू सॉरी एक एन टू और पांच एच टू, इस प्रकार से संतुलित कर सकते हैं आप। ये है तनु नाइट्रिक अम्ल की जिंक और कॉपर धातु के साथ, नेक्स्ट में करवाऊंगा ए धातुओं के साथ, HNO3 प्लस कार्बन, HNO3 प्लस फास्फोरस, HNO3 प्लस आयोडीन और HNO3 प्लस सल्फर, इनमें से मैं आपको दो रिएक्शन एक दो रिएक्शन संतुलित करने का तरीका बताऊंगा, बाकी की रिएक्शन आपको खुद ही संतुलित करने हैं, आपको जहां पर भी प्रॉब्लम हो आप वहां पर कमेंट लिख करके मेरे से पूछ लेंगे। देखिए नाइट्रिक अम्ल कार्बन का ऑक्सीकरण करेगा किसमें, CO2 में, खुद किसमें अपचयित होगा, NO2 में प्लस H2। नाइट्रिक अम्ल फास्फोरस का ऑक्सीकरण करेगा H3PO4 में, खुद अपचयित होगा NO2 में प्लस H2। आयोडीन का ऑक्सीकरण होगा HiO3 प्लस NO2 प्लस H2O, और सल्फर का होगा H2SO4 प्लस NO2 प्लस H2। ये रिएक्शन होगा, इनको संतुलित करने के तरीके मैं आपको बता देता हूं। सबसे टिपिकल सल्फर वाली रहेगी क्योंकि सल्फर सबसे ज्यादा है, तो इसको देखो कैसे संतुलित करेंगे। संतुलित करने के लिए सबसे पहले आप ऑक्सीकरण संख्या पर चले जाना, नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या सभी में प्लस पांच से प्लस चार हो रही है, नाइट्रोजन को केवल एक इलेक्ट्रॉन ले रहा है, प्लस पांच से सभी में प्लस चार हो रही है, आप तो केवल इनकी चेक कर लेना। सल्फर के यहां पर जीरो है और इसमें अगर आप सल्फर के ऑक्सीकरण अंक निकालोगे तो आ जाएगा प्लस पांच, यानी सल्फर पांच इलेक्ट्रॉनों का त्याग कर रहा है,
एक सल्फर पांच इलेक्ट्रॉनों का त्याग कर रहा है, तो यहां पर ध्यान देना टोटल आठ सल्फर है, क्योंकि एक सल्फर पांच इलेक्ट्रॉनों का त्याग कर रहा है, एक सल्फर पांच इलेक्ट्रॉन, तो आठ सल्फर कितने इलेक्ट्रॉनों का त्याग करेंगे, 40 इलेक्ट्रॉनों का त्याग करेंगे। यहां पर आपको ये चीज है ध्यान में रखनी है भाई, इसी के अनुसार आप अभिक्रिया को संतुलित कर पाएंगे, वरना संतुलित नहीं हो पाएगी। सॉरी, यहां पर ये एक मिनट थोड़ा सा माफी चाहूंगा आपसे, थोड़ी सी गलती हो गई है ना, सल्फर का ऑक्सीकरण प्लस पांच नहीं है बल्कि प्लस छह है, आप निकाल करके चेक कर लेना। तो एक सल्फर छह इलेक्ट्रॉन त्याग कर रहा है, तो आठ सल्फर कितने इलेक्ट्रॉन त्याग करेंगे, 48। इन्होंने को टोटल 48 इलेक्ट्रॉन त्याग किए, तो ग्रहण भी कितने होने चाहिए, 48 ही होने चाहिए, और ये तो केवल एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है, प्लस पांच से प्लस चार में बदल रहा है सारा। तो 48 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने के लिए कितने HNO3 चाहिए, 48 HNO। बस एक बार आपने यहां पर सही नंबर लिख दिया तो सारी अभिक्रिया बराबर हो जाएगी, बस आपको ये HNO3 का नंबर सही लिखना है। अब आप इस रिएक्शन को संतुलित कर सकते हैं, आपको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। H2SO4 आठ सल्फर है तो आठ बनाएंगे ताकि सल्फर बराबर हो जाए। 48 नाइट्रोजन है तो यहां पर 48 NO2 बनेंगे, 48 ही हाइड्रोजन है तो देखिए 8 16 हाइड्रोजन तो ये आ गए, बाकी क्या आप H2O में कर दे। सभी रिएक्शंस को ऐसे ही बराबर करना है। एक फास्फोरस वाली और बता देता हूं, देखो फास्फोरस का ऑक्सीकरण अंक हो रहा है 0 से +5 में, यानी एक फास्फोरस पांच इलेक्ट्रॉन त्याग कर रहा है, टोटल फास्फोरस है चार, तो चार फास्फोरस ने 20 इलेक्ट्रॉन त्याग कर दिए, तो ग्रहण करने वाले भी कितने चाहिए, 20 ही चाहिए। अब संतुलित कर लेना, आप कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी, फास्फोरस चार है तो इधर भी चार बराबर कर देना, नाइट्रोजन 20 है तो यहां पर भी नाइट्रोजन 20, ऐसे संतुलित करते जाना बराबर हो जाएगा एकदम से, कहीं पर भी किसी रिएक्शन में आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली। अगर आपको कहीं पर कोई प्रॉब्लम आए तो आप कमेंट लिख करके पूछ सकते हैं, इन अभिक्रियाओं को संतुलित करके वो आप कमेंट में लिख सकते हैं, कमेंट में आपका अगर सही होगा तो आपको रिप्लाई मिल जाएगा, अगर आप कहीं पर मिस्टेक कर रहे हैं तो उसको मैं ठीक करके आपको बता दूंगा। इसके अलावा नाइट्रिक अम्ल की एक रिएक्शन और है, बस अभी जल्दी कंप्लीट करने वाले हैं, भूरी वाले परीक्षण नाइट्रिक अम्ल की लास्ट रिएक्शन है, बस अभी आपका ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, आज का वीडियो सॉरी थोड़ा लेंथी हो गया, नाइट्रिक एसिड की वजह से थोड़ा सा बड़ा टॉपिक था। भूरी वाले परीक्षण देखो ये क्या होता है, ये नाइट्रेट आयनों की परीक्षण के लिए होता है, अगर आप नाइट्रेट आयनों का टेस्ट कर रहे हैं तो उसमें भूरी वाले परीक्षण करना पड़ता है। देखिए भूरी वाले परीक्षण में अपने को करना क्या होता है, जो भी अपना लवण होता है, सबसे पहले मैं आपको करने का तरीका बता रहा हूँ, बाद में रिएक्शन बताऊंगा। लवण, लवण में आपके ऋणायन कौन है, मान लो आपके पास में जो भी लवण है उसमें नाइट्रेट ऋणायन है, तो इसका आप टेस्ट करने के लिए आपको इस लवण में जांच करना है कि इसमें नाइट्रेट ऋणायन है या नहीं है, तो उसी स्थिति में आप इस लवण में मिलाएंगे सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 मिलाएंगे सबसे पहले, और इसका जलीय विलयन बना करके, और H2SO4 मिलाने के बाद में आप इसमें मिला देंगे फेरस सल्फेट। तो अगर इस लवण में नाइट्रेट आयन होगा तो इसमें जिस परत नली में आप ये मिला रहे हो उसमें भूरे रंग की वलय बनेगी चारों तरफ, और वो भूरे रंग की अगर वलय बनी बनती है ना, ब्राउन रिंग, तो ब्राउन रिंग ये इंडिकेट करती है कि आपका जो लवण था उसमें नाइट्रेट ऋणायन है, उससे ये पता चलता है। देखिए रिएक्शन होती क्या है, जैसे आप Fe SO4 Fe+2 जलीय विलयन में इसको घोलोगे तो Fe+2 होता है, ये क्या करेगा, जल के साथ में मिलकर के ये संकुल यौगिक का निर्माण कर लेता है, जल के साथ में मिलकर के, क्योंकि लवण को आपने जलीय विलयन में घोल रखा है, कुछ Fe+2 तो इसके साथ में जुड़ गया और कुछ Fe+2 की रिएक्शन हो जाएगी नाइट्रेट आयनों के साथ में। Fe+2 थोड़े कुछ ने तो जल के साथ रिएक्शन कर लिया, कुछ नाइट्रेट आयनों के साथ रिएक्शन करेगा, नाइट्रेट चूंकि प्रबल ऑक्सीकारक है तो इसका ऑक्सीकरण करेगा। माध्यम अभी अपन ने अम्लीय किया ही था, H2SO4 मिलाया था ना, अम्लीय माध्यम में देखो क्या रिएक्शन होगी, ये इसका ऑक्सीकरण कर देगा, तो Fe+2 को ऑक्सीकरण उजागो Fe+3 में, NO2 को खुद को अपचयन उजागो NO में, NO2 का अपचयन किस में हो गया, NO में, इसके बाकी के दो हाइड्रोजन इन H+ आयनों ने निकाल लिए और H2O बना लिया, ये रिएक्शन होती। तो
तो कुछ एफए प्लस टू तो एफए प्लस थ्री में अपचयित हो गए और कुछ एफए प्लस टू ने जल के साथ में मिलकर के संकुल यौगिक बना लिया। अब यहां पर ये जो एनओ बना है ये एनओ इस संकुल के साथ रिएक्शन करेगा और जो छह एच टू है उनमें से एक एच टू को हटा देगा, ये खुद जुड़ जाएगा एच टू का होल फाइव एनओ, एक एच टू को बाहर निकाल दिया और वो ब्राउन कलर की जो रिंग बनती है वो इसी के कारण बनती है। इस संकुल यौगिक के कारण ब्राउन रिंग यानी ब्राउन भूरी वलय का निर्माण होता है। तो ये थे नाइट्रिक अम्ल की रिएक्शन, रासायनिक गुण कंप्लीट हुए। इसी के साथ में इसके कुछ उपयोग और देख लेते हैं, बस क्लास खत्म होती है आज की। सबसे पहला इसका उपयोग है विस्फोटक टीएनटी बनाने में। एक विस्फोटक पदार्थ आता है टीएनटी जिसका नाम होता है ट्राई नाइट्रो टोलुइन, टीएनटी ट्राई नाइट्रो टोलुइन, ये होती है देखो, और ये बनाने में नाइट्रिक अम्ल काम में आता है, ये देख सकते हैं आप। तो ये ट्राई नाइट्रो टोलुइन ये बनाने के अंदर नाइट्रिक अम्ल का उपयोग होता है। नाइट्रोजन युक्त जो उर्वरक होते हैं वो बनाने में काम में आता है, स्टील के अम्लोपचार में काम में आता है, रॉकेट में ऑक्सीकारक के रूप में, ये इसके कुछ उपयोग है। इसके अलावा नाइट्रिक अम्ल से अपन और भी कुछ महत्वपूर्ण अकार्बनिक यौगिकों का निर्माण कर सकते हैं, अपने लैब में भी काम में आता है। तो एक इसका उपयोग आप देख सकते हैं प्रयोगशाला अभिकर्मक के रूप में। ये वाला जो उपयोग है ना देखो, ये क्या रॉकेट ऑक्सीकारक क्या होता है, जैसे अपन अपनी गाड़ी में फ्यूल भरते हैं पेट्रोल या डीजल भरते हैं तो उसका दहन होता है तो उससे अपनी गाड़ी को एनर्जी मिलती है। तो पेट्रोल या डीजल का जब दहन होता है तो दहन के लिए ऑक्सीजन चाहिए। अब अपनी गाड़ी वायुमंडल में चल रही है तो वायुमंडल में पर्याप्त ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन मिलती रहेगी, पेट्रोल डीजल का दहन होता रहेगा। लेकिन जो रॉकेट में अगर आपने ईंधन पदार्थ भरा है पेट्रोल डीजल या जो कुछ भी भरा है तो रॉकेट जब वायुमंडल से बाहर चला जाएगा तो फिर वहां पर तो ऑक्सीजन नहीं है और ऑक्सीजन नहीं है तो जो पेट्रोल या डीजल जो भी है उसका दहन नहीं हो पाएगा। उस स्थिति में उसका दहन करने के लिए ईंधन के साथ में रॉकेट में हमेशा एक ऑक्सीकारक पदार्थ भरना पड़ता है। यानी एक तो भर दिया आपने फ्यूल पेट्रोल डीजल जो कुछ भी है प्लस उसके साथ में आपको भरना पड़ेगा ईंधन, सॉरी ईंधन के साथ आपको भरना पड़ेगा ऑक्सीकारक, क्योंकि वायुमंडल के बाहर जाने के बाद में ऑक्सीजन नहीं है और ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में पदार्थों का दहन नहीं होता है। उस स्थिति में ऑक्सीकारक के रूप में अपन नाइट्रिक अम्ल HNO3 का उपयोग कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, वीडियो थोड़ा लेंथी हो गया इसके लिए माफी चाहूंगा, लेकिन इसी के साथ अपना नाइट्रिक अम्ल भी कंप्लीट होता है। धन्यवाद।